हमारे नौजवान, प्रदेश के हमारे पिछड़ा वर्ग, हमारे कमजोर जातियां, प्रदेश के किसानों के हित के काम में हम लगे रहेंगे। मैंने ये तय किया है कि ये जो 9 मार्च को ये 16 विधायकों को ले गए, कौन से जाए 9 मार्च को ले गए, किस जात में ले गए, किसने उसका व्यवस्था करी, किसने उसका पैसा दिया, कहाँ ठहरे, किस प्रकार का दबाव था, आगे आने वाले समय बताएगा। सबको ये याद रखना है कि आज के बाद कल भी आता है, कल के बाद परसों भी आता है, और परसों आएगा जनता गवाह। मैंने ये तय किया है कि आज मैं राज्यपाल को अपना इस्तीफा दूंगा, और इसका कारण एक ही है, जिन सिद्धांतों और मूल्यों का पालन मैंने किया, मैं वो नीलामी और सौदे की राजनीति में कभी पड़ा नहीं। मैंने साफ और स्पष्ट राजनीति करी, मैंने मूल्यों की राजनीति करी, और मैंने हमेशा कहा, और पूरा मीडिया और पूरी जनता गवाह, कि 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कोई नहीं मेरे ऊपर उंगली उठा सकता। मेरे 40 साल में जब मैं सांसद रहा, कोई मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सका। मैंने तो सदन में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में मैंने किसी मंत्री को या मुख्यमंत्री को कभी फोन नहीं किया, कभी निजी काम के लिए, कभी किसी सिफारिश के लिए मैंने फोन नहीं किया। अगर मैंने किया तो छिंदवाड़ा के विकास के लिए किया, ये तो मैंने सदन में कहा।